अभी जो हुआ वो तो एक छोटा सा नमूना था कि कैसे तुम लोग बेवकूफ बनाए जाते हो और कैसे खुशी खुशी तुम लोग बेवकूफ बनते जाते हो। देखो भाई, नेताओं का काम ही है झूठ बोलना, और जब तुम उनके झूठ में फंस जाते हो तो वो और झूठ बोलते हैं, और जब तुम उनके झूठ पे तालियां बजाते हो तो तुम उनको और झूठ बोलने के लिए बढ़ावा देते हो। यही था तुम्हारे सवाल का जवाब। पर धर्म की रक्षा भी तो करनी है दीदी। अच्छा, तुम यहाँ गाय और गोबर में फंसे रहे और उधर SC ST एक्ट पास हो गया, इससे तुम्हारा धर्म मजबूत होगा या समाज टूटेगा? अर्थव्यवस्था चौपट है, महंगाई अपने चरम पर, घर का बजट बिगड़ गया है, पढ़ाई दवाई सब महंगा है, और तुम धर्म की रक्षा करने निकले हो वो भी फेसबुक व्हाट्सएप पर। 400 साल तक देश मुसलमानों का गुलाम रहा, 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, फिर भी तुम्हारे पूर्वजों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, और अब 4 साल में कौन खतरा बन गया है? अरे मूर्खो, भूखे पेट तो ना भजन भी नहीं होता है, और तुम सब निकले हो धर्म युद्ध करने। तो जिन्होंने 70 साल देश पे राज किया हुआ कुछ ना कहे। लोकतंत्र में हर 5 साल में सरकार का हिसाब होता है, अगर ऐसे ही सोचना है तो मुसलमानों से शुरू करो, या फिर अंग्रेजों से, या फिर उनके भी पहले से, और इन्हीं सब में फंसे रहो। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और बिना नौकरी के घूमेंगे तो तुम क्या कहोगे उनसे? पकोड़े तलो, इसीलिए पढ़ाते हो बच्चों को? पूछेंगे कि देश बर्बाद हो रहा था तो क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे? कि व्हाट्सएप पर वक्त बने फिर रहे थे, 70 सालों का हिसाब ले रहे थे? तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे जो अपने समय में गलत इंसान को चुनते रहे और हिसाब भी नहीं ले पाए। पर जिन्होंने देश को लूटा है, काला धन इकट्ठा किया, उन्हें ऐसे ही ना लेने। तो क्या हुआ काले धन का, विदेशों में जमा काले धन का? अरे गरीब आदमी को लाइन में लगा देखकर तुम ताली बजाते हो, अमीर बर्बाद हो गया इस बात पे खुश होते हो? क्या तुमने देखा नहीं कि लाइन में कितने सूट बूट वाले खड़े थे, कितनों की फैक्ट्री और शोरूम बंद हुए? जो लाइन में खड़े खड़े गरीब मर गए, जिनकी लाश के कफन और लकड़ी के लिए चंदा जुटाना पड़ा, वो क्या काले धन के चोर थे? तो क्या सब गलती हमारे पापा की है? नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी है। किसी भी नेता की अंधभक्त बनोगे तो यही सब होगा जो हो रहा है। लोकतंत्र में नेता चुना जाता है काम करने के लिए, उसकी जवाबदेही तुम्हारे लिए होती है, तुम्हें उसके काम को जज करना चाहिए और फिर अगला मौका देना है या नहीं ये सोचना चाहिए। आज ये है, कल कोई और होगा। जो सही काम करे उसका समर्थन करो, जो गलत करे उसका विरोध करो। सरकार किसी नेता या किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार होती है तुम्हारी, सरकार तुम्हारे पैसे से चलती है। अगर उसका काम सही लगा तो ठीक, वरना फिर 5 साल में बदल दो, ये नेता अपने आप सुधर जाएंगे। इसके पहले वाले का काम सही नहीं लगा तो हटाया ना तुमने, ऐसा ही होता है। मान लो अब तुम्हारा कोई मोबाइल है वो खराब हो गया, तो तुम क्या करते हो? उसको बनवाते हो, और फिर भी अगर वो सही नहीं होता तो फिर उसे बदल देते हो, है ना? और जब बदलने जाते हो तो जो सबसे अच्छा मोबाइल होता है वो खरीदते हो, सही है? या फिर वही पुराना मॉडल लेकर बैठे रहते हो? नहीं ना, ऐसे ही सरकार तुम्हारी होती है, तुम्हारे पैसे से चलती है, तुम टैक्स पे करते हो। अगर उसका काम सही लगा तो ठीक, वरना फिर 5 साल में बदल दो, काम करने लगेंगे। बस अबे दीदी है, बस दीदी बस, अब हम सब हमारे समझ में आ गया है, हम लोग भटक गए, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया है दी, हमने फिजूल की बातों में अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर दिया है, दोस्त रिश्तेदारों तक को गालियां दी है हमने। अब समझ में आया ये सब फजूल था, आज के बाद ना मूर्ख नीति में फंसेंगे और ना दूसरे को फंसने देंगे। भावना जी जिंदाबाद, भावना जी जिंदाबाद, भावना जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ई कौन है? मैं विवेक हूँ, मैं मनुष्य के साथ हमेशा रहता हूँ। लोग भावना के पीछे भागते हैं, भावना जब चली जाती है तब विवेक आता है, विवेक यानी कि
आदमी की सोचने समझने की शक्ति, गलत और सही की परिभाषा समझाने वाला मैं विवेक। अगर विवेक से काम ले वो मनुष्य कभी गलती नहीं करेगा। सोचने समझने की शक्ति देता हूँ मैं, यानी विवेक। मैं हमेशा सदैव मनुष्य के साथ रहता हूँ। लोग नहीं समझते, नहीं दिखाई देता हूँ मैं। जिनको भी दिखाई देता हूँ वो गलत काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो शक्ति है सोचने की, समझने की, अच्छाई की, बुराई की, लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, कलह, मेरे पास आते ही सब दूर हो जाता है। आपका विवेक तब जगता है जब भावना आपसे दूर हो जाता है। वही हूं मैं विवेक, आप लोग के इर्द गिर्द में डराता रहता हूं पर दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। विवेक, मेरा नाम विवेक है।